Hello students, today we are going to study chapter number 1, A Tiny Seed, from your book, Oxford New Broadway, class 4. So let's start. So as you all can see the two pictures in front of you, what are the differences do you notice between the two? In dono mein aapko difference kya dikhta hai, A aur B mein? What happens to human and animal life when the land goes dry? एक साइड आपको दिख रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज लगे हुए हैं और दूसरी साइड लग रहा है कि किसी ने सारे प्लांट्स को काट दिया है, पूरा जो लैंड है वो ड्राई हो गया है। अगर ऐसा हो गया, अगर प्लांट्स और ट्रीज नहीं रहेंगे और लैंड जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो ह्यूमन और एनिमल कैसे सर्वाइव करेंगे? वॉट रोल डू ट्रीज एंड प्लांट्स प्ले इन आवर लाइफ्स? क्या रोल प्ले करते हैं ट्रीज और प्लांट्स हमारे लाइफ में? सो वी विल रीड इन दिस स्टोरी, लेट्स बिगिन नाउ। रीड द स्टोरी। इन अ विलेज ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंट केनिया इन ईस्ट अफ्रीका, अ लिटिल गर्ल वर्कड इन द फील्ड्स विथ हर मदर, हर नेम वॉज वांगरी। तो एक विलेज है जिसका नाम है माउंट केनिया और वो कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीका में। तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की रहती थी जो कि अपनी मदर के साथ फील्ड में, खेत में काम करती थी और उसका नाम था वांगरी। इन हर फैमिलीज फूड गार्डन शी ब्रोक अप द सॉयल एंड देन प्रेस टाइनी सीड्स इनटू द वार्म अर्थ नोइंग दैट दे वुड ग्रो इनटू प्लांट्स। तो उनके फैमिली का एक फूड गार्डन था, तो वहाँ पे वो सॉइल को डिग करती है मिट्टी हटा के और उसमें छोटे छोटे टाइनी सीड्स डाल देती है और उसको पता था कि वहाँ से छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे। अगर आप मिट्टी में सीड्स डाल देते हो तो फिर वो धीरे धीरे वो ग्रो होके आपका एक प्लांट बन जाता है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। फिर वांगरी जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है कि उसे स्कूल जाना है, बट वी वुड लाइक यू टू स्टे एंड हेल्प अस एट होम। तो उसके फादर जो है वो कहते हैं कि लेकिन हम चाहते हैं कि तुम घर पर ही रहो और हमारी मदद करो। वांगरी ब्रदर टॉक टू देयर पेरेंट्स। तो वांगरी का ब्रदर फिर आके पेरेंट्स से बात करता है और कहते हैं प्लीज़ लेट वांगरी गो टू स्कूल, शी वॉन्ट्स टू लर्न। प्लीज़ आप वांगरी को स्कूल जाने दीजिए, वो कुछ सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, शी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो उसकी मदर जो है वो रेडी हो जाती है और कहती है ओके शी कैन गो टू स्कूल। तो वांगरी अब जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। वांगरी लाइक टू लर्न, शी गॉट हर्सेल्फ अ लॉट ऑफ बुक्स, शी लर्न मोर एंड मोर विथ एवरी बुक शी रेड। तो वांगरी को पढ़ना सीखना बहुत पसंद था, वो हर दिन कोई ना कोई बुक्स लेकर आती थी और हर बुक से वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती थी, पढ़ती थी, समझती थी। शी डिड सो वेल एट स्कूल दैट शी वॉज इन्वाइटेड टू स्टडी इन अ कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पढ़ने से क्या होता है कि वो इतना मेहनत की और अपने स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स लाई कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इनविटेशन आया कि वो वहाँ आके उनके कॉलेज में पढ़ाई करे आगे की। तो वांगरी जो है वो सोचती है आई एम सो एक्साइटेड, दिस इज़ माय चांस टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड। वांगरी जो इतना मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ी, अब जब उसको रिज़ल्ट मिला, उसको यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बुलाया गया कि आप आके हमारे कॉलेज में पढ़ें, तो वांगरी जो है वो सोचती है कि वो काफ़ी मतलब खुश होती है, एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि ये मेरा चांस है कि मैं और भी इस दुनिया के बारे में और भी चीज़ें जान सकूँ, सीख सकूँ। एट द अमेरिकन यूनिवर्सिटी शी गॉट टू नो मैनी थिंग्स, शी स्टडीड प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रो। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने गई तो उसे बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चला। वो प्लांट्स के बारे में पढ़ी और वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, एक प्लांट एक ट्री में कैसे ग्रो करता है,
प्लांट और ट्री में क्या डिफरेंस होता है, जो आप घर में छोटे छोटे प्लांट्स पेड़ लगाते हो दैट इज़ कॉल्ड प्लांट्स, और जब वो बड़े हो जाते हैं दे आर कॉल्ड ट्रीज. सो शी रिमेंबर्ड हाउ शी ग्रू प्लेइंग गेम्स विथ हर मदर इन द शेड ऑफ द ट्रीज इन द ब्यूटिफुल केनियन फॉरेस्ट. तो जब वो प्लांट्स के बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो अपने भाई के साथ कैसे केनियन फॉरेस्ट में जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ पे फॉरेस्ट में वो कैसे अपने भाई के साथ उन ट्रीज के बीच में खेलती थी. द मोर शी लर्नड द मोर शी रिमेंबर्ड हर अफ्रीकन होम. व्हेन शी फिनिश्ड हर स्टडीज वांगरी रिटर्न टू केनिया. तो वो जितना जानती थी जितना सीखती थी उसको अपने अफ्रीकन अपना घर जो है वो उतना ही याद आने लगा, और जैसे ही उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की वो वांगरी जो है वो केनिया अपने घर वापस लौट आई. हर कंट्री हैड चेंज, वुमेन हैड नो वुड टू मेक फायर्स फॉर कुकिंग, द पीपल वर पुअर एंड द चिल्ड्रन वर हंग्री. तो जब वो वापस आई अपने देश अपने केनिया तो चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी थी, कंट्री जो है वो पूरा बदल गया था. औरतों के पास जो है वो लकड़ियाँ नहीं थी कि वो आग जला के और खाना बना सकें, लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, बच्चे जो है वो बिल्कुल भूखे थे, हंग्री मीन्स भूखा. तो बच्चे जो है वो भूखे थे क्योंकि मदर्स जो है वो खाना नहीं बना सकती थी, उनके पास वुड ही नहीं था. वांगरी न्यू व्हाट टू डू, शी टॉट द वुमेन हाउ टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम सीड्स. तो वांगरी को पता था कि क्या करना चाहिए, वो बाकी औरतों को जो है बाकी वुमेन्स को सिखाती है कि कैसे आप सीड से कैसे बीजों से आप एक ट्री ग्रो कर सकते हो. When the trees appeared, the women sold them and used the money to look after their families. और जब वो सीड से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लगे तो वो उन सबको बेच कर और जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने फैमिली का खाना पीना और उनका ध्यान रखती थी. We are so happy, Wangri. You have helped us feel powerful and strong. तो जो वुमेन्स थी जिनको उसने सिखाया कि कैसे आप अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हो तो वो काफ़ी थैंकफुल होती है वांगरी को के लिए, और कहती हैं कि वो कितना पावरफुल और कितना स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है क्योंकि वो खुद से अर्न कर रही थी, खुद से पैसे कमा रही थी एक प्लांट ग्रो करके विद द हेल्प ऑफ सीड्स. एज टाइम पास्ड द न्यू ट्रीज ग्रू इनटू फॉरेस्ट. और जैसे जैसे समय बीतता गया वो छोटे छोटे जो ट्रीज जो छोटे छोटे प्लांट थे वो एक जंगल में कन्वर्ट हो गया. एंड द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग अगेन, और फिर से जो नदी है वो बहने लगती है. वांगरीज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, और पूरे अफ्रीका में जो है वो वांगरी का ये मैसेज चला गया कि उसने कैसे औरतों को एक सीड से प्लांट बनाना ग्रो करना सिखाया, फिर प्लांट से एक ट्री बन गया, ट्री से फॉरेस्ट बन गया. तो ये पूरे अफ्रीका में ये बात फैल जाती है. टुडे मिलियंस ऑफ ट्रीज हैव ग्रोन फ्रॉम द सीड्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड. और आज उन ट्रीज से जो सीड्स निकलते हैं वो जो है वो दूसरे ट्रीज बन जाते ग्रो किए जाते हैं. तो आज भी जो है उसके सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. द लिटिल गर्ल फ्रॉम अफ्रीका यूज द पावर ऑफ अ टाइनी सीड टू मेक अ डिफरेंस टू हर पीपल. तो एक छोटी सी लड़की जो अफ्रीका की थी वांगरी, उसने कैसे एक छोटे से सीड से एक बीज से कितना बड़ा डिफरेंस लाया लोगों के बीच. एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर कैसे एक छोटे से बीज से उसने प्लांट ग्रो किया और प्लांट से कैसे उसने फॉरेस्ट एक बना दिया, एक जंगल बन गया. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टुक नोटिस ऑफ अ ग्रेट वर्क. और बाकी दुनिया के जितने भी लोग थे उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की कि वांगरी ने कितना हेल्प किया है लोगों को, कितना कुछ सिखाया है. शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर हर वर्क इन केनिया. तो वांगरी को नोबल पीस प्राइज़ मिलता है केनिया में, जो उसने
काम किया है, जो लोगों को सिखाया है और कैसे चीज़ें करनी चाहिए. शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन एवर टू रिसीव इट. तो वो पहली अफ्रीकन वुमेन थी जिनको ये नोबल पीस प्राइज मिला. वांगरी मथाई, एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एक ट्रू स्टोरी है. तो वांगरी मथाई एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती थी एंड शी डाइड इन 2011 में उनका डेथ हो गया. बट वी थिंक ऑफ हर एवरी टाइम वी सी अ ब्यूटिफुल ट्री. लेकिन आज भी लोग जो हैं वो उसको हर वक्त याद करते हैं जब वो एक सुंदर सा कोई ट्री देखते हैं. सो दिस इज़ रिटन बाय निकोला रिच दिजिक एंड माया मार्शा. सो दिस वॉज द स्टोरी. एज यू ऑल नो कि ट्रीज़ का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में. अगर वो नहीं रहेंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वेजिटेबल्स नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेगा. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चन आंसर्स. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.